Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. Lockdown के बाद में इस क्षेत्र की कच्ची बस्ती के लिए और अन्य वार्डों के लिए हमारे वार्ड नंबर 34 के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना श्रमदान किया है और पर डे यहाँ पर 1000 भोजन के पैकेट बनाए जाते थे जो अजमेर दक्षिण विधानसभा में वितरित होते थे। ये सभी खाद्य सामग्री मेरे द्वारा पहुंचाई जाती थी और हमारा वार्ड नंबर 34 का कार्यकर्ता अपना पूरी मेहनत का जो दान है उसने लगातार लॉकडाउन के समय किया है। सुबह 5 बजे से हमारे कार्यकर्ता आते थे, हमारी कार्यकर्ता बहनें पैकिंग का काम करती थी, अलग अलग समय अलग अलग कार्यकर्ताओं को नियोजित किया गया था कि किस दिन कौन कार्यकर्ता इस रसोई के लिए अपना श्रमदान देने वाला है। तो लगातार आज तक ये रसोई चली है और आज मैं अपनी ओर से इन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इसमें हलवाई का काम करने वाले जो दोनों हमारे भाई हैं उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने लगातार अपनी सेवाएँ की है। तो एक स्वागत के निमित्त आज हम लोग यहाँ आए हैं और स्वागत हमने किया है इन सब कार्यकर्ताओं का इनके श्रमदान के लिए, ताकि ये इसी प्रकार से उत्साहित होकर के जब कभी ऐसी विपदा पड़े तो वो ये कार्य और भी अच्छे उत्साह के साथ में कर सकें। क्षेत्र के जो शक्ति केंद्र प्रभारी है विनोद बागोरिया जी और हमारे एससी मोर्चे के महामंत्री भी हैं और शक्ति केंद्र के प्रभारी हमारे गजेंद्र जी और इसके साथ हमारे सारे बूथ अध्यक्ष और बूथ के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता और जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्होंने ये सेवाएं दी हैं। वार्ड 34 गुजरती में लॉकडाउन 20 से ये सेवाएं प्रतिदिन दी जा रही है। ये रसोई अनिता जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और आज इसका समापन और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 1000 पैकेट यहाँ पर बनाए जाते थे और प्रतिदिन पहुँचाए जाते थे। जो चिन्हित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनको ये भोजन की व्यवस्था की जा रही थी अनिता जी की तरफ से और इनमें पूरे कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी जो भी है हमारे सहयोगी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस तरीके से मैडम ने सबका सम्मान किया? आज मैडम ने शॉल उड़ा के माला पहनाकर हलवाइयों का भी सम्मान करा और जो कार्यकर्ता थे जो इस कार्य सेवा कार्य में लगे थे उन सभी का स्वागत और सम्मान किया। लग हमारे लगभग 35 जनों की टीम थी। इसमें सब मेरा नाम गजेंद्र कुमार, वार्ड 34।